नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पिछले व्याख्यान के दरम्यान हमने हिंदी का उपयोग जो है राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा में किस तरह से किया जाता है इसके ऊपर व्याख्यान लिया था। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई सवाल है तो अपने नीचे जो कमेंट बॉक्स दिया है उसके अंतर्गत पूछ सकते हैं, आपका जो जवाब होगा आपको दिया जाएगा। ठीक है, अभी इकाई एक के अंतर्गत दूसरा है आ, हिंदी की शब्दावली। तो दोस्तों, हिंदी भाषा या भाषा बहते पानी की तरह है, उसमें जितने भी शब्द आ जाते हैं उसको समा लेने की शक्ति आपको दिखाई देती है। और हिंदी के अंतर्गत माना जाए तो प्राचीन काल से लेकर आज तक बहुत सारे ऐसे शब्द आ चुके हैं जिनको हिंदी ने समा लिया है। इसी वजह से हिंदी जो है आज के दौर में विश्व की दो नंबर की बोली जाने वाली भाषा आपको दिखाई देती है। अगर हम बात करेंगे वैदिक संस्कृत के लेकर आज तक, तो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत उसके बाद में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और उसके बाद में हिंदी का उद्गम हो चुका है। तो ऐसे शब्द जो है हिंदी के अंतर्गत ज़्यादातौर पर आपको दिखाई देंगे। अभी हिंदी में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहा जाता है इसके बारे में इस इकाई के अंतर्गत चर्चा की जाएगी। तो पहला है भारतीय आर्य भाषा और अनार्य भाषाओं के जितने भी शब्द जो कुछ हिंदी में आ चुके हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं। जैसे कि भारोपीय परिवार है और उसके साथ साथ द्रविड़ परिवार के कुछ शब्द दिखाई देते हैं। तो भारोपीय परिवार के अंतर्गत आने वाले तद्भव शब्द हम देखेंगे। तद्भव यानी कि क्या, जो मध्यकालीन आर्य भाषाओं की बात की जाती है, मध्यकाल की बात की जाती है, जैसे शब्द है वैसे शब्द नहीं लिए गए हिंदी के अंतर्गत, उसमें कुछ बदलाव किया गया है, उसे तद्भव शब्द कहा जाता है। खास तौर पर हम देखेंगे कि जो संस्कृत के शब्द है, हालांकि संस्कृत हिंदी की जननी मानी जाती है और जननी मानने की वजह से जो संस्कृत के शब्द है वही कुछ हद तक हिंदी में आपको प्रयुक्त दिखाई देंगे, लेकिन कुछ बोलचाल में बदलाव है ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, तद्भव शब्द कहा जाता है। लेकिन साहित्य के क्षेत्र में ऐसे शब्द आप लोगों को नहीं दिखाई देंगे जो संस्कृत के अंतर्गत है या मध्यकालीन जो भाषा है वही के वही शब्द आप लोगों को साहित्यिक जो हिंदी है उसमें आपको दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ये जो है आसान रूप चुन लिया गया है बोलचाल की भाषा के अंतर्गत, उसे तद्भव शब्द कहा जा रहा है। अभी तद्भव शब्द कौन कौन से हैं, जैसे कि संस्कृत से आ चुका ऐसा शब्द है कृष्ण कहा जाता है, तद्भव के रूप में उसे कन्हैया या कान्हा कहा जा रहा है। उसके बाद अग्नि की बात की जाए, यह अग्नि शब्द है, उसे दूसरे रूप में कहा जा रहा है आग। उसके बाद कार्य शब्द है, उसे काच कहा जाता है। उसके बाद अर्ध शब्द है, उसे आधा कहा जाता है। ये बोलचाल के भाषा में आपको तद्भव शब्द हिंदी के अंतर्गत दिखाई देंगे। उसके बाद में हम देखेंगे तत्सम शब्द। तत्सम इसका मतलब तत्समान, जैसे है वैसे ही आप लोगों के इस हिंदी भाषा के बात की जाए तो उसमें आ चुके हैं। वो कौन से शब्द आ चुके हैं उसके बारे में देखेंगे, जैसे कि राजा या फिर देव, अधीन, अध्यक्ष, देवी, ज्वर, नगर, प्राण, ये संस्कृत के शब्द थे, वैसे ही शब्द हिंदी में आ चुके हैं, उसे क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द। यानी कि हमने पहले तद्भव शब्द देखे, उसके बाद में हम तत्सम शब्द देखे, अब हम देखेंगे देशी या देशज शब्द, जो तत्सम भी नहीं है, तद्भव भी नहीं है और विदेशी भाषाओं से भी नहीं लिए गए, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, देशज या देशी शब्द कहे जाते हैं। वो कौन से हो सकते हैं, एक ध्वनि आ जाती है जैसे कि डकार शब्द है, डकार आने की वजह से वो डकार शब्द आ चुका है, वो शब्द देशी शब्द कहा जाता है। ऐसे और भी शब्द है जैसे कि आटा, ये शब्द है वो भी जो है देशज शब्द माना जा रहा है। भूसा या फिर गुहार, टीला, झगड़ा,
ये जो शब्द है देशज शब्द आ चुके हैं। हिंदी साहित्य के अंतर्गत ऐसे शब्द आप लोगों को ज़्यादा नहीं दिखाई देंगे, लेकिन बोलचाल की भाषा में आपको दिखाई दे सकते हैं। इसका परिणाम ये है, क्योंकि हम देखेंगे तो 80 करोड़ के ऊपर लोग जो है बोलचाल की भाषा बोलते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप लोगों को ये भाषा ज़्यादा तौर पर लोगों को समझ में आ जाती है। इसी वजह से हम जो लोग हैं हिंदी भाषा का इस्तेमाल, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद ऐसे शहर जो है उसमें ज़्यादा तौर पर बोली जाने वाली भाषा आपको दिखाई दे सकती है। उसके बाद हम देखेंगे संकर, यानी कि पहले हमने तद्भव देखे, उसके बाद तत्सम देखे, तत्सम के बाद देशी या देशज शब्द देखे, देशज के बाद आ जाते हैं संकर। संकर यानी संकरित, दो भाषाओं के जो भिन्न भिन्न भाषा होते हैं उनसे मिलने से जो भाषा बन जाती है या जो शब्द बन जाता है उसे संकरित या संकर शब्द कहे जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसे कि तो चोर दरवाज़ा, जो कि फारसी में चोर शब्द कहा जाता है और हिंदी में दरवाज़ा। उसके बाद रेलगाड़ी, रेल शब्द अंग्रेजी है, गाड़ी शब्द हिंदी में, फिर भी रेलगाड़ी कहा जाता है। इसी तरह के जो शब्द आ चुके हैं उसे संकर कहा जा रहा है, यानी कि दो विभिन्न भाषाओं की बात कही जाती है। देख लीजिए, हिंदी के अंतर्गत समा लेने की शक्ति बहुत ज़्यादा है। अंग्रेजी के जैसे शब्द है वैसे ही भी प्रयुक्त तो हो चुके हैं, या किसी अन्य भाषाओं की बात की जाए वो भी शब्द हिंदी में प्रयुक्त तो हो जाते हैं। इसी वजह से हिंदी की शब्द संपत्ति बढ़ते हुए आपको दिखाई देगी। अभी हम अन्य आर्य भाषाओं की बात की जाए, जैसे कि मराठी है या बांग्ला है या फिर गुजराती है, ऐसे शब्द भी हिंदी में प्रयुक्त तो हो चुके हैं। जैसे श्रीखंड, चालू, बिंदास, खोली, ये जो मराठी के शब्द हैं वो हिंदी में आ चुके हैं या हिंदी में घुल मिल चुके हैं। बांग्ला के उपन्यास, संदेश या रसगुल्ला ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में प्रयुक्त हो चुके हैं। यानी कि चार शब्द किस तरह से आ चुके हैं, चार प्रकार के शब्द आ चुके हैं, इसके बारे में हमने देखा। पांचवा प्रकार हम देखने वाले हैं, भारतीय द्रविड़ भाषाओं के कुछ शब्द आपको दिखाई देंगे। जैसे कि पिल्ला, इडली, डोसा, सांबर, ये द्रविड़ परिवार के शब्द हैं। अभी द्रविड़ परिवार के पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि भारोपीय परिवार और द्रविड़ परिवार ये अलग अलग परिवार है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये जो प्रदेश आपको दिखाई देते हैं वहाँ पर जो भी भाषा है वो क्या है, द्रविड़ परिवार की भाषा मानी जाती है। इसी वजह से उनके कुछ शब्द है हिंदी में आ चुके हैं, जैसे कि मैंने अभी अभी आप लोगों को जो कहे हैं, इडली, डोसा, सांभर, जो भी शब्द है वो द्रविड़ भाषा के आपको दिखाई देंगे। उसके बाद हम देखेंगे जैसे कि विदेशी भाषाओं के शब्द। अभी विदेशी भाषाओं की बात की जाए तो ईस्वी सन 1000 से लेकर आज तक बहुत सारे जो बाहर के आक्रमणकारी थे उन्होंने हमारे ऊपर राज किया, और इसी वजह से उनके कुछ शब्द हिंदी में आ चुके हैं। जैसे कि फारसी हो या फिर अरबी हो, उन लोगों ने पंजाब के उस प्रांत के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना राज किया है। इसी वजह से देहातों में भी उनकी भाषा जो है घुल मिलती हुई दिखाई देती है। तो फारसी शब्द ज़्यादा इस्तेमाल हो चुके हैं, अरबी, तुर्की शब्द आपको दिखाई देंगे, लेकिन तुर्कों की जो शब्द संपत्ति है थोड़ी कम दिखाई देगी, क्योंकि उनका ज़्यादा राज इस भारत में आपको नहीं दिखाई देता है। अभी उसके बाद 200-300 सालों तक जो है प्रारंभिक रूप में भाषा जो बोली जाती थी उसमें ज़्यादा शब्द आपको उन लोगों को दिखाई देंगे जो तुर्की हो या फिर फारसी हो या अरबी लोगों के। मुगल शासन बढ़ता गया तब तो फारसी शब्द आ गए, उसके बाद राजकाज की भाषा उनकी फारसी बन गई, अरबी बन गई, तो निश्चित तौर पर इसका परिणाम हिंदी के ऊपर होता हुआ दिखाई देता है। मध्यकाल की बात की जाए तो पूर्वकाल, मध्यकाल, उत्तरकाल की बात की जाए तो 150 साल तक अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर राज किया, और इसका जो परिणाम भी हिंदी भाषा के ऊपर दिखाई देगा। लेकिन आजकल की भाषा अगर मानी जाती है, हम देखते हैं किसी भी भाषा के अंतर्गत अति जो होती है वो नुकसानदायक साबित हो सकती है। जैसे कि जानबूझकर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हिंदी के लिए दूसरा शब्द होता है फिर भी जानबूझकर इंग्लिश का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो एक अन्याय के रूप में हिंदी भाषा के ऊपर हो सकता है।
समझ में आ रही है आप लोगों को बात? अभी आप फिल्में देख लीजिए, सिनेमा देख लीजिए, अंग्रेजी आधी होती है और हिंदी आधी होती है, जानबूझकर अंग्रेजी का इस्तेमाल बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। इसी वजह से एक कॉमन फैक्ट बन गया है, जैसे कि मैंने कहा आप लोगों को, कि उसके अंतर्गत जो हिंग्लिश शब्द आ चुका है सभी जगह आप देखेंगे तो आपको पता चल सकता है। ऐसे कौन से विदेशी भाषा है जिनके शब्द हिंदी में आ चुके हैं और वो हिंदी में बोले जाते हैं या साहित्यिक रूप में लिखे जाते हैं? तो अरबी भाषा है, जैसे कि अल्लाह है, असर है, ईमान है, मजहब, आफत, आशिक, इमारत, इबादत, ऐसे जो शब्द है वो अरबी भाषा से आपको दिखाई देंगे। उसके बाद फारसी भाषा की हम बात करेंगे तो अंजाम, आबाद, आबरू, आवारा या आसमान, ऐसे शब्द आपको दिखाई देंगे। तुर्की शब्द है जैसे कि आका, उज्बक, उर्दू, कैंची, काबू, कुली, कोरमा, ये जो शब्द है आपको तुर्की भाषा के दिखाई देते हैं। ईरानी है, उसमें से तीर, गंज, मिहिर या क्षत्रप, ऐसे शब्द है। पश्तों की बात की जाए तो पश्तों ने हमारे ऊपर भी क्या किया हुआ है, राज किया हुआ है, इसी वजह से उनके भी शब्द दिखाई देंगे, जैसे कि पठान है, रोहिला है, गुंडा है, अचार है, तहस नहस, ऐसे शब्द पश्तों से आ चुके हैं। उसके बाद जापानी, जैसे कि रिक्शा, झम्पान, कराटे, ये शब्द जापान के हैं। चीनी के बात की जाए तो किचक, यानी इसे बांस कहा जाता है, या चीनी, ये शब्द वहाँ से, चीन से आ चुके हैं। पुर्तगाली शब्द है, जैसे अचार, आलमारी, कमीज, नीलाम, ऐसे शब्द आपको दिखाई देंगे। फ्रेंच के कुछ शब्द है, कारतूस, कप, कॉलर, टेबल, कूपन, अंग्रेज, ये आपको फ्रेंच के शब्द दिखाई देंगे। डच के है तरूप या बम। उसके बाद रूसी शब्द है, रूबल, जार, वोदका, ये जो आपको दिखाई देंगे वो रूसी है। उसके बाद हम बात करेंगे अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी के अनगिनत शब्द आपके बोलचाल में आपको दिखाई देंगे। जैसे कि ये मेरे पास जो हम बैठे हुए हैं उसे कहा जाता है, जो किताब रखी गई है वो टेबल है, टेबल को हम मेज कहते हैं हिंदी के अंतर्गत, या कबट शब्द है उसे अलमारी कहा जा रहा है, जो आपको शब्द आ चुके हैं पता है। तो अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द बोलचाल के साथ साथ साहित्यिक भाषा के अंतर्गत भी आपको दिखाई देंगे, लेकिन हम अति की बात करते हैं, वो अति आप लोगों को अंग्रेजी भाषा की हिंदी में प्रयुक्त होने की दिखाई देगी। तो आज तक जितने भी काल हो चुके हैं उसके अंतर्गत आप देख लीजिए, अंग्रेजी का इस्तेमाल जो है बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो हमने इस इकाई के अंतर्गत क्या क्या देखा हुआ है, जैसे कि पहले कौन से शब्द प्रयुक्त हुए, तद्भव, उसके बाद तत्सम, तत्सम के बाद देशज, देशज के बाद संकर, संकर के बाद द्रविड़ परिवार के, उसके बाद अन्य आर्य भाषाओं के, और विदेशी जो शब्द है वो किस तरह से हिंदी भाषा में आ चुके हैं इसके बारे में हमने चर्चा की। हमने देखा लगभग आज के दौर में 1.5 लाख शब्द संपत्ति जो है हिंदी भाषा के आपको दिखाई देती है। आगे जाकर जो है 1 लाख शब्द जो हिंदी में आने वाले हैं ऐसी संभावना है, तो लगभग 2.5 लाख की शब्द संपत्ति अगर बन जाती है तो निश्चित तौर पर हिंदी जो है विश्व की 1 नंबर की भाषा या 1 नंबर की भाषा बन सकती है। इसीलिए हमने इस इकाई के अंतर्गत इतनी हद तक देखा। जो अगला व्याख्यान होगा तब हम देखेंगे हिंदी की वाक्य रचना, उसके प्रकार, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।